सो व्हाट इज अप एवरीबॉडी, दिस इज मी अमित कुमार, वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल बिहार टू स्काई में। मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों से, क्योंकि मेरा 3 से 4 दिन हो गया है अभी तक वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया, उसका एक पर्टिकुलर रीजन है। सो मैं रीजन आपको बता रहा हूँ, मेरे ये जो कान है ना, इसमें मेरा एक वुंड घाव टाइप का हो गया है। सो ये कान में थोड़ा घाव हो गया और मेरे को बहुत परेशानी हो गई भाई, 3 दिन बहुत हालत ख़राब। ऊपर से मेरे MBA के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स चल रहे थे दोस्तों। सो मेरा सुबह 7:45 पे, मतलब कभी पेपर होता है, कभी 12:30 पे होता है, तो उसके लिए मतलब मेरा व्लॉग नहीं आ पाया दोस्तों। तो उसके लिए मैं प्लीज़ आपसे माफ़ी मांगता हूँ। सो फिलहाल आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने छत पर हूँ जहाँ मैं फिलहाल अभी रह रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन साइट नहीं। मैं आपको होप सो कि मैं आपको जल्दी से वो एक वीडियो दिखा दूंगा जल्दी से। तो फिलहाल अभी मैं अपने टेरेस पे हूँ, छत पे हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको छत दिखाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन सा छत है दोस्तों, एकदम यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। और आप देख सकते हैं पीछे पेड़ ही पेड़ है, पूरा हरियाली है इस साइड में। थोड़ा मैं जूम करता हूँ, देखिए खाली पेड़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि कैंपस कितना बढ़िया है इधर का, देख सकते हैं। तो फिलहाल आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो कैंपस आप देख रहे हैं, ये पूरा सेंट पॉल स्कूल हुआ करता था, मतलब हुआ करता है, ये मतलब इसी में मैं पढ़ाऊँ अपना। इसलिए मैं सोचा कि एक अलग सा ब्लॉग बना दूंगा, ताकि आप लोग को मतलब ये पता चले कि मैं कहाँ पढ़ता था, मतलब अपने बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा मेमोरी जुड़ा हुआ है दोस्तों इसमें। ये जो ब्लॉग आप देख रहे हैं ना, मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपको दिख जाएगा, ये पीकॉक ब्लॉग बोलते थे, आप देखिए वहाँ लिखा भी है पीकॉक ब्लॉग। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है ना, ये क्लास, इसके बगल वाला सेकेंड, ये सेकेंड क्लासरूम मेरा हुआ करता था दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ आपको। तो फिलहाल मैं सबसे पहले इसमें पढ़ा था। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता था, जब मैं नर्सरी केजी में था, थोड़ा ये ढक गए, जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन वाला पहला, सबसे पहला बिल्डिंग ये था दोस्तों, ये वाला। और ये वाला मस्त, यहीं पर हमारा केजी नर्सरी, मतलब इसी में मैं आया था पढ़ने के लिए, सेंट पॉल्स में, ये वाला। मैं देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, ये वाला दिखा, ये वाला, तो इसमें मतलब मैं आया था। और ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन सा ग्राउंड जो देख रहे हैं, बहुत मज़ा आता था दोस्तों। यहाँ पे लंच का जब टाइम होता था, तो हम लोग सब लोग दौड़ के इसमें आते थे, सीधे अपने अपने क्लासरूम से यहाँ निकलते थे। और वहाँ मेन्स का वॉशरूम हुआ करता था, जो बॉयज़ वॉशरूम और गर्ल्स वॉशरूम उस साइड, तो यहाँ पे हम लोग हमेशा दौड़ के आते थे, और यहाँ पे हम लोग मस्त खेलते थे दोस्तों। और ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में हम लोग कैफेटेरिया हुआ करता था, और यहाँ पे मज़ा आता था। ये पहले ये सब नहीं था, वो मेरे टाइम में झूला वूला लगा है, ये जो झूला दिख रहा है ना आप लोग, मेरे टाइम में लगा। सो ये बहुत ही बेहतरीन मज़ा आता था। और ये क्या था कि यहाँ से एक ऐसे रास्ता था, ये पहले नहीं था ये वाला मेरे टाइम में, ये जो बिल्डिंग बना है अभी कुछ साल पहले बना है। और इस यहाँ से ऐसे जाते थे, यहाँ पे कंप्यूटर लैब हुआ करता था। सो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इतना मज़ा आता था ना भाई, मैं क्या बता रहा हूँ। तो वही मैं बता रहा था आपको कि देखिए सेंट पॉल स्कूल, इसी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। सो यही लाइफ है दोस्तों, मेमोरीज बनाती है, मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब अभी भी देखता हूँ तो लगता है कि काश मैं एक बार मौका वापस मिल सकता था कि मैं वापस सेंट पॉल जाता, तो नॉस्टैल्जिक टाइप का मतलब फीलिंग है। अभी फ़िलहाल अभी शाम के बज रहे हैं 5, और मैं होपफुली आज ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। और आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, पता नहीं कैसे अचानक से ठंडा बढ़ गया भाई, इधर ठंडा नहीं पड़ा, सॉरी यहाँ पर अचानक क्या हुआ है कि मौसम चेंज हुआ है, ऐसा वैसा नहीं, मतलब भयंकर तरीके से मौसम चेंज हुआ है। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं हवा चल रहा है बहुत तेज़, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ हवा कैसे चल रहा है इधर दोस्तों, थोड़ा जूम करता हूँ पेड़ पर, आप देख सकते हैं कितना भयंकर हवा चल रहा है, देखिए हिल रहा है पेड़ सब, आपको दिख रहा है ना। तो वही बात है, सो होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब रेगुलर ब्लॉग आएंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा मेरा ये प्रॉब्लम कर रहा था, इसी कारण नहीं आ पा रहा था। सो और मैंने देखा है कि कुछ लोग मुझे सब्सक्राइब भी किए जा रहे हैं, थैंक यू सो मच भाई तहे दिल से। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगता हो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक करने के बाद आप उसमें बता दीजिए कि आपको क्या बुरा लगता है या क्या अच्छा लगता है, आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं भी अच्छा लगे तभी कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तभी कमेंट कर दीजिए आप, उससे क्या मैं अपने कंटेंट को सुधार दूंगा थोड़ा सा। सो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, उम्मीद होगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अमित सिंह साइनिंग ऑफ।